अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तखान मरीज चैनल पे सभी प्यारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर नान। ये नान आप सोचते हैं घर में कैसे बन सकता है, ये नान घर में बहुत इजी तरीके से बन सकता है, बिना तंदूर के, बिना ओवन के। इसे बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे वो ये हैं, ये 1 kg मैदा है, ये 1/2 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1 teaspoon ये बेकिंग सोडा, और ये 1 teaspoon नमक है, और 1 teaspoon चीनी है। आप चाहे तो यहाँ चीनी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। ये बटर है, ये होममेड बटर है, ये 2 teaspoon रिफाइंड ऑयल है, और ये 1 tablespoon दही है। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी दुगनी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ इसलिए 1 रखी हूँ ताकि मैं से 6-7 घंटा इसको आटे को सान के अच्छे से रखूँगी फूलने के लिए, खमीर होने के लिए। और आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी जो है दही की बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये सब। उसके बाद ये ऑयल डालने से क्या होता है, इसकी जो सॉफ्ट जो बटर जो होगी बिल्कुल सॉफ्ट बहुत अच्छी बनेगी। ये दही, और इसे मैं गूंदूंगी वार्म वाटर से। ये पानी हल्का सा गर्म है, ज़्यादा नहीं। पहले सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी देके इसे सानना है। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये बटर नान बहुत ही लजीज, बहुत अच्छी, बहुत ही सॉफ्ट बनती है घर पे। इसमें ज़्यादा टेंशन भी नहीं है, झंझट नहीं है। एक बार आप बनाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। हल्का हल्का पानी लगा के अच्छे से गूंद लेना है। सॉफ्ट, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट सा डो तैयार करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से बहुत सॉफ्ट डो बन के तैयार हो रही है। ये कंप्लीट हो चुका। आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ, अगर ठंडी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, अपने डो को जल्दी से खमीर में इसको चेंज करना है। आपके पास टाइम कम है, 5-6 घंटा टाइम नहीं है, तो बहुत इजी मेथड है, बहुत ही ईजी। आप ट्राई कीजिए, अप्लाई कीजिए, फिर बताइए मुझे कि आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी। बस पानी को गर्म करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, थोड़ा सा हार्ड करना है। ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है। बस एक बाउल में मैं अपने डो को डालूँगी। अब कुछ नहीं लगाना है, कुछ नहीं ऐड करना है। अब इस बर्तन को मैं इस गर्म पानी में डालूँगी और इसे ढक के मैं 3-4 घंटा छोड़ दूंगी। ठंडी के मौसम में खमीर लाने के लिए 6-7 घंटा, कभी कभी 8 घंटा भी टाइम लग जाता है। आप इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे तो अब से 3-4 घंटे में इसमें इतनी अच्छी से खमीर आ जाएगी, ये फुल के डबल हो जाएगा आपका डो जो है बिल्कुल। और ये बहुत इजी ट्रिक है, आप इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए। इससे आपकी तंदूरी रोटी, तंदूरी नान बहुत ही सॉफ्ट, बहुत अच्छी बनेगी, बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएगी। मैं इसे ढक के छोड़ देती हूँ 3-4 घंटे के लिए। 6 घंटा हो चुका है, देखिए कितने अच्छे से ये खमीर होके उठा है। इसे मैं 2-4 पंच लगा देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा एयर बाहर निकल जाए। मैं एक ही डो से तंदूरी रोटी और तंदूरी नान बताऊंगी, बटर नान। बस फ़र्क इतना है कि बटर नान की जो लोई होती है ये थोड़ी छोटी होती है साइज़ में, और तंदूरी रोटी की जो ये होती है लोई जो होती है थोड़ी बड़ी साइज़ में होती है। बस फ़र्क ये है, इसमें बटर लगेगा, ये बिना बटर का बनेगा। ये बटर नान का लोई है,
सी अच्छे से, बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज होना चाहिए ये। अब मैं इसके एक साइड में पानी लगा दूंगी। इसे पूरे पानी से कवर करना अच्छे से। उसके बाद इसे उठाऊंगी उसे तवे पे। तवा अच्छा सा गर्म हो चुका है। बबल्स आने शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, गैस को कब इस तरह से सेकना है चारों तरफ से घुमा घुमा कर। ये बटर नान कंप्लीट हो गए, देखिए पीछे भी कितना अच्छा से हुआ है ये, आगे भी देखिए। अब इसमें बटर लगाना है, गर्म में ही बटर लगाना है। बिना तंदूर के, बिना ओवन के घर में ही कितना अच्छा तंदूरी रोटी बटर नान बन के कम्प्लीट हो जाता है, बाहर रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना अच्छा से बना है ये। इस तरह करके मैं सारे बटर नान बना लूँगी। ये तंदूरी रोटी का लोई है। अब मैं इसे पानी से कवर करूँगी अच्छे से। मैंने 3 बटर नान बना के कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए कितनी शानदार, कितनी अच्छी बनी है। देखिए पीछे से भी देखिए इसे, ये तंदूरी रोटी। बस ये थोड़ा साइज में मोटा है, वो पतला पतला था, ये थोड़ा मोटा है, ज़्यादा फर्क नहीं है। बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। अब मैं इसे पलट के सेक लेती हूँ। देखिए इस तरह करके बाकी के तंदूरी रोटी भी इसी तरह बना लूँगी। एक मैंने बनाया, ये देखिए तंदूरी रोटी कितनी मोटी, कितनी अच्छी हुई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह लग रही, तंदूर की तरह, तंदूर में बना है ये, देखिए कितनी मोटी। और ये बटर नान, इसे अच्छे से घुमा घुमा के चारों तरफ से सेक लेना है ताकि कहीं से कच्चा ना रहे। ये तंदूरी रोटी बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। ये बटर नान है, ये तंदूरी रोटी है, कितने अच्छे तरीके से बना है बिना तंदूर के घर में ही। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरे इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।